In the class, the teacher, Mrs. Sharma, asks us question all the time. और क्लास में, कक्षा में जो क्या कहते हैं, जो टीचर है उनकी मिसेस शर्मा, वो पूरे टाइम से हमसे क्या करती है, प्रश्न पूछती है. I shiver in fear when it is my turn. और मैं डर के कारण कांपता रहता हूँ जब उसका टर्न आता है, जब उसकी बारी आती है. बट लेकिन देन आई टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड टेल द आंसर. लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, एक लंबी सांस लेता हूँ और फिर आंसर, उत्तर को बताता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आपकी कक्षा में जब आपकी अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे आपका ओरल टेस्ट होता है, तो आपको भी अपने टर्न के लिए डर लगता है. ऐसे उसको भी डर लगता था. जैसे उसकी बारी आती थी तो वो बहुत ही लंबा सांस लेता था और फिर वो अपने जो भी उसका उत्तर होता था वो उसको बताता था. ओके स्टूडेंट्स, आई बीम विद जॉय वैन सी स्माइल्स एंड द अदर किड्स क्लैप. वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूमने लगता है और स्माइल, जब क्या कहते हैं, वह स्माइल करती है एंड अदर जो बच्चे हैं वो क्लैप करते हैं. जब आपको, जब आप भी डरते रहते, जब यदि आप अच्छा आंसर दे देते हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर देते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी मैम आपको गुड बोलती हैं. तो ऐसे ही वो बच्चा जो है, जब उनकी टीचर ने स्माइल किया और जो अदर बच्चे हैं उन्होंने क्लैप किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगा. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप इन द क्लास एट ऑल नाउ. अब मैं क्लास में खड़े होकर बोलने में बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ. कौन बोल रहा है ये? रोहन. ओके, देखिए मैम ने जो क्वेश्चन किया है उसमें बोला द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. क्या आंसर दे रहा है? कि द सन, जो सन है वो एक बड़ा आग का गोला है. देर इज अनदर थिंग, आई हैव नेवर लाइक्ड डॉग्स. क्या बोलते हैं कि मुझे कभी भी क्या नहीं पसंद है? डॉग्स. दे हैव ऑलवेज स्केयर्ड मी. ये हमेशा जो है मुझे क्या करते हैं, डराते हैं. दे बार्क एंड स्टेप एंड बाइट. गॉट योर स्टूडेंट्स? देन अ कपल ऑफ डेज बैक, स्टूडेंट्स यहां से है, डैड सेड डॉग्स बार्क बिकॉज दैट्स द वे दे टॉक. आई अंडरस्टैंड व्हाट दे मींस नाउ. देखो इसमें इनके जो फादर है क्या बोलते हैं कि जो डॉग है वो बार्क भौंकता है क्योंकि दैट्स द वे दे टॉक, क्योंकि वो जो रात में क्या करते हैं, टॉक करते हैं. आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया व्हाट ही मींस नाउ. नाउ कि उसका क्या मतलब है अब. ओके, जो रोहन है बोलता है कि मैं समझ गया कि उनका क्या मतलब है जो भी इनके डैडी बोलते हैं. Then a couple of days back, Grandpa got someone home. It was a little pup in a basket, white like the snow. देखिए उनके फादर जो है, उन्होंने Grandpa, वो क्या लेकर आए हैं, बास्केट में एक पप को, डॉगी के बच्चे को लेकर आए हैं. I did not want to even touch it. और वो जो है रोहन, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता था. Okay, students. Thank you so much, students.